पहली दफा मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था। वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटी है ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो वो धक्के मार रहा था, तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर हो गए पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। उन्हें फिर धक्का मारिया तो फिर उन्होंने कहा तेरी खैर हो गए पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे, पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, मिंबर पर जिक्र कर रहा हूं। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, कहता तेरी खैर हो गए पहरेदारा, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए, तो मैं भी पीछे निकल आया, तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, उन्होंने कदों तुहाड़ी भी समझ आउंदी सी, तुसीं पंजाबी दा शेर सुनाई जा रहे हो। कहिंदे पुत्तर मैनू भी पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, पर मैं तो अपना रांझा पै राजी करता सा, मैनू पता है उन्होंने कख, ओ यार असीं रांझा भी तो राजी करना है कि नहीं, कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा ए दीदार का, हमने जान दे दी, हाँ खाली उसने वादा किया था कि आऊंगा, आया नहीं था, पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना शौक शौक प्यार वारफ्तगी मोहब्बत असातिदा के लिए, बुजुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशायख के लिए, बड़ों के लिए, ना शौक ना कभी खराब होने पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं, कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में हैं, वो मैं देता रहता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद फरमाए।